बन जाए। कानों से जिस रस को हम पी सकें, कर्ण रसायनम, रसायन, रसायन का मतलब जिसमें रस हो, और रसायन का मतलब औषधि, जिस औषधि के सेवन से रोग की निवृत्ति हो जाती है। ऐसी ही कथा हो जिस कथा को सुनने से संसार का रोग छूट जाए। ये संसार रोग है, और इस रोग की दवा क्या है? बोले भगवान की कथा, और भगवान का नाम ही संसार रोग की दवा है। इसीलिए भक्तों ने कहा कि इदम शरीरम सतसंधि जर्जरम, ये शरीर क्या है? बोले 100 जगहों से जुड़ा हुआ है, कम से कम 100 जगह पर ये जोड़ करके बना है शरीर। सतसंधि जर्जरम, कब कौन सी संधि टूट जाए, यहां से हड्डी चटक जाए कि उंगली टूट जाए कि पैर टूट जाए, क्योंकि सैकड़ों जगह पर ज्वाइंट है ये शरीर। सतसंधि जर्जरम, और जर्जर है, पतत्यवश्यम, इसका पतन होगा, इसको कोई बचा नहीं सकता। कितना भी कितनी भी दवा खा लो, कितनी भी विटामिन की गोलियां खा लो, कितनी ताकत की चीज खा लो, कितनी मालिश करो, कितनी भी साज संहार करो, कुछ भी करो, ये शरीर एक दिन नष्ट होगा, इसे कोई रोक नहीं सकता। इदम शरीरम सततंधि जर्जरम पतत्यवश्यम परिणाम पेशलम, इसका परिणाम अंत में विनष्ट ही होना है। तो किमौ सधम प्रेक्षसि मूढ़ दुर्मते, अरे मूढ़, हे मूढ़ प्राणियों, किम औषधम प्रेक्षसि, क्या औषधि पूछते हो? एक ही औषधि है संसार की, निरामयम कृष्ण रसायनम पिब, निरामय कृष्ण रसायन को पिए, निरामयम राम रसायनम पिब, ये राम रसायन कृष्ण रसायन यही पीने के योग्य है, और इसी रसायन को श्री हनुमान जी महाराज सदा पीते रहते हैं। राम रसायन तुम्हारे पासा, और सदा रहो रघुपति के दासा, इससे बढ़िया रसायन और क्या है? भगवान की कथा ही वो रसायन है, जिस रसायन को पी करके व्यक्ति सदा आनंदित होगा और सदा सदा के लिए आनंद सिंधु को प्राप्त करेगा। तो कथा क्या है? बोले ये कथा रसायन है। शौनक जी कहते हैं कि मम कर्ण रसायनम, मेरे कानों में ये कथा जाए तो रस प्रदान कर, रसमयी हो, जिससे सुन करके कानों के माध्यम से इसे पी करके हम आनंदित हो। कर्ण रसायनम का दूसरा अर्थ यह भी है कि भगवान की ये कथा अगर बहुत ज्यादा पंडिताई और वैदुष्य और विद्वता का पुट देकर कथा सुनाई जाए तो ये कथा जो है कर्ण रसायन नहीं रहती, फिर तो कानों के लिए कंटक बन जाती। बहुत व्याकरण और बड़ा साहित्य और बड़ी बड़ी शास्त्र की पंक्तियों को और बड़े बड़े कठोर और अश्रुत शब्दों का प्रयोग करके पूरे वैदुष्य और पंडिताई को प्रकट करते हुए अगर ये कथा सुनाई जाए तो श्रोताओं के लिए कान में कठोर बन जाएगी, उनके कानों में रस नहीं घुलेगा, फिर तो पंडितों के लिए कथा रह जाएगी, विद्वानों के लिए सर्वजन सुगम नहीं होगी। कथा तो ऐसी हो जो सर्वजन सुगम हो, जिसे सुनकर के हमारे हृदय में भगवत भक्ति का भाव बढ़े, शब्द भले टूटे फूटे हो कोई बात नहीं। इसीलिए भगवान की कथा को, लीला को भक्तों ने अपनी अपनी भाषा में गाया। सभी कवियों ने, संतों ने, विद्वानों ने भगवान का गुणानुवाद अपनी अपनी भाषा में किया, तभी भक्ति का विस्तार हुआ। चाहे दक्षिण भारत के आलवार संत हो, दक्षिण भारत में हमारे आलवार संत हुए, भूतम सरश्च महदाभय भट्टनाथ श्री भक्ति सार कुलशेखर योगी वाहन भक्तांघ्र रेणु पर काल यतीन्द्र मिश्रान श्रीमत्पराम कुश मुनि प्रणतोस्मि नित्यम, द्वादशालवार भूत योगी सरो योगी महद्योगी नम्माड़वार
पेरी आलवार, तिरुमंगई आलवार, ये तमिल प्रदेश में, केरल प्रांत में और तमिलनाडु में भगवान के परम भागवत हुए, भक्त हुए, जिन्होंने अपनी भाषा में भगवान का गुणानुवाद किया, संस्कृत में नहीं, अपनी भाषा में, लोक भाषा में। और आज भी दक्षिण भारत के मंदिरों में उनकी उन गाथाओं का पाठ होता है। सहस्त्र गीति तिरुवाय मोली, तिरुप्पावई नाचियार तिरुमोली, इन सारे दिव्य प्रबंध ग्रंथों का आज भी मंदिरों में पाठ होता है, क्योंकि लोक भाषा में उन्होंने भगवान का गुणानुवाद किया। उत्तर भारत में श्री गोस्वामी जी ने लोक भाषा में भगवान का गुणानुवाद किया। मीरा ने, कबीर ने, सूर ने, रहीम ने, रसखान ने अपनी भाषाओं में भगवान के चरित्र को गाया। आपके नेपाल में श्री भानुभक्त भगवान के परम भक्त हुए, जिनकी रामायण इतनी प्रसिद्ध है, भानुभक्त की रामायण अपनी लोक भाषा में गाया। तो भगवान की कथा को सरल और लोक भाषा में गाकर सुनाया जाए, तभी वो कर्ण रसायन होती, तभी कानों में रस घुलता है। शौनक जी कहते हैं, महाराज ऐसी कथा सुनाओ जो मेरे कानों में जाए और रसायन का काम करे, जिससे ज्ञान वैराग्य भक्ति की वृद्धि हो और जीव की शुद्धि हो। शौनक जी कहते हैं कि इह घोरे कलौ प्रायो जीवश्चासुरतां गतः। इस कलयुग में प्रायः सभी प्राणी आसुर भाव को प्राप्त हो गए, लोगों में तमोगुण की अधिकता हो गई, सात्विकता का अभाव हो गया। ऐसी स्थिति में क्लेशाक्रांतस्य तस्यैव शोधने किं परायणम्। ऐसे घोर कलिकाल में उन प्राणियों की शुद्धि कैसे हो, उन प्राणियों का शोधन कैसे हो, इसका भी उपाय आप बताओ। क्योंकि आज के युग में हम सुन तो सब सकते हैं, लेकिन करने की क्षमता कुछ नहीं। शास्त्र में बड़ी बातें कही गई हैं महाराज, और हम सुनते भी हैं, समझते हैं, लेकिन कर नहीं पाते। क्यों बोले, परिस्थितियां वैसी नहीं। बड़े बड़े यज्ञों का वर्णन है, लेकिन यज्ञ करना कितना कठिन है। अब महाराज जी से पूछो कि इतने बड़े यज्ञ को कराना कितना कठिन है, वो तो महाराज जी बताएंगे। कितना विचार करना पड़ता है, योग्य विद्वानों को ढूंढो, सारी वस्तुएं शुद्ध हों, जिन जिन वस्तुओं का प्रयोग हो वो पवित्र हो, कितनी मुश्किल से सारी वस्तुएं संग्रहित तो होती। आज बाजार में चले जाओ तो शुद्ध घी भी नहीं मिलने वाला है, सब में मिलावट, कहां से यज्ञादि कर्म व्यक्ति करेगा। इतना करने के लिए महाराज जी को कितना परिश्रम करना पड़ता, कहां कहां से एक एक चीज शुद्ध वस्तु कहां मिलेगी, कैसे मिलेगी, भक्तों को कह करके सारी योजना बना करके तब इतना बड़ा कार्यक्रम कोई एक व्यक्ति करना चाहे तो संभव ही नहीं। और ये सब चीज मिल जाए तो करने वाला शुद्ध हो, यजमान शुद्ध हो, यजमान के सारे संस्कार हुए हों, और वो पवित्र आहार विहार करता हो, संध्या वंदन गायत्री जप इत्यादि कर्मों में निरत रहता हो, उसकी पत्नी अर्धांगिनी भी तद्वत धर्म के अनुकूल आचरण संपन्ना हो, तब कर्म का अधिकारी होता है व्यक्ति। तो बड़े बड़े यज्ञों का वर्णन है, लेकिन कौन कर पाएगा हमारा। तपस्या की भी बड़ी महिमा है, तपस्या से जीव का कल्याण होता है, लेकिन आज तपस्या करने लायक किसी का शरीर नहीं रहा। थोड़ी गर्मी भी सहन नहीं होती, थोड़ी ठंडी भी सहन नहीं होती, सुख सुविधाएं चाहिए ही चाहिए। ऐसी स्थिति में तपस्या कौन कर पाए। तपस्या के लिए तो शरीर में इतनी सहन शक्ति हो तब तप हो। तप तीरथ साधन जोग विराग सो हो ये नहीं दृढ़ता तन को। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, शरीर की अगर दृढ़ता नहीं होगी तो तप भी नहीं हो सकता, आज कौन तप करे। तो सारे साधन तो हैं, लेकिन उन साधनों को करने के लायक हम नहीं रहे। स्थिति ये, न तपस्या करने की स्थिति है, न बड़े बड़े यज्ञ को करने की स्थिति है।
और न ही तीर्थों में जाकर के हम तीर्थ का पूर्ण सेवन कर पाते हैं। ऐसी स्थिति में हमारी शुद्धि कैसे हो? कौन ऐसा साधन है जिस साधन से हम शुद्ध हो सकते हैं, हमारा अंतःकरण शुद्ध हो सकता है? सौनक जी ने यही प्रश्न किया है कि क्लेशाक्रांतस्य तस्यैव शोधने किं परायणम्। ऐसी विषम परिस्थिति में जो क्लेशाक्रांत हैं, अनेक प्रकार की आधी व्याधि से परेशान हैं, जिनके जीवन में अनेकानेक समस्याएं हैं, ऐसी स्थिति में व्यक्ति आत्मशोधन कैसे करे, आत्मशुद्धि कैसे करे, इसका कोई सरल उपाय आप बताओ। और तीसरी बात, कृष्ण प्राप्ति करम सस्वत साधनम तद्वदाधुना। ऐसे साधन का आप निरूपण करो जिस साधन से भगवान श्री कृष्ण की प्राप्ति हो जाए। बोले कृष्ण की प्राप्ति का साधन, बोले भगवान की प्राप्ति का साधन तो वेदों में बताया ही गया है। क्या बताया? बोले तम ब्रह्मणा विविदिशन्ति यज्ञेन दानेन तपसा अनाशकेन। वेद भगवान कहते हैं कि उस परमात्मा को प्राप्त करने के लिए ब्राह्मण लोग, ज्ञानी लोग, ऋषि लोग क्या करते हैं? बोले यज्ञेन, यज्ञ के द्वारा उसे प्राप्त करते हैं, तपसा तप के द्वारा प्राप्त करते हैं, अनाशकेन उपवास करके, व्रत रह करके, अन्न जल का त्याग करके उस ब्रह्म को प्राप्त करते हैं। यज्ञेन दानेन तपसा अनाशकेन, साधन तो है लेकिन वो साधन हमारे आपके लिए नहीं है, हम आप नहीं कर सकते, न यज्ञ कर पाएंगे, न तपस्या वैसी हो पाएगी और न ही अनशन कर पाएंगे। एक दिन एकादशी का व्रत करना पड़ता है 15 दिन में, तो उसी में एक दिन में सारी हालत खराब हो जाती है। कम से कम 8 बार जाकर के व्यक्ति किचन की ओर देखता है, क्या बन रहा है, क्या मिलेगा, एक दिन का व्रत तो होता ही नहीं। अनाशकेन उपवास करके उस ब्रह्म को जानना, अनशन में बैठ जाना कितना कठिन है। तो ऐसे साधन का आप निरूपण करो जिससे भगवान सरलता से मिल जाए। कृष्ण प्राप्ति करम शाश्वत, ऐसा साधन जो शाश्वत साधन, जो साधन निष्फल न हो, बाकी सारे साधन तो बिगड़ जाते। तपस्या भी पूर्ण रूप से सफल होगी इसकी गारंटी नहीं, यज्ञ भी सफल होगा अंतिम पूर्णाहुति तक, सफलता मिल जाए तभी सफलता मानी जाती। आप ऐसे साधन का निरूपण करो जिस साधन से निश्चित रूप से भगवान की प्राप्ति हो जाए। कृष्ण प्राप्ति करम सस्वत साधनम तद्वदाधुना, क्योंकि आप हमारे आचार्य हो, गुरु हो। शौनक जी कहते हैं गुरु की बड़ी महिमा होती है, जो काम कोई नहीं कर सकता वो काम गुरुदेव की कृपा से हो जाता है। स्वर्ग की चिंतामणि बहुत अच्छी होती है, लेकिन वो स्वर्ग की चिंतामणि क्या दे सकती है? बोले केवल लौकिक सुख दे सकती है बस, चिंतामणिर्लोक सुखम। कहते हैं स्वर्ग में एक मणि होती जिसको चिंतामणि कहते हैं। सब मणियों का अलग अलग महत्व होता है। आज प्रातः काल श्री पशुपतिनाथ भगवान का मैं दर्शन करने गया था, तो वहां जो प्रधान अर्चक हैं उन्होंने दर्शन कराया नागमणि का। नागमणि जो नाग के अंदर होती है वो मणि बड़ी दुर्लभ होती है। यहाँ नेपाल राष्ट्र में भगवान पशुपतिनाथ के यहाँ विद्यमान है, उसका दिव्य दर्शन कराया, अद्भुत मणि नागमणि। नागमणि का दर्शन कराया, गज मुक्ता का दर्शन कराया, हाथी के मस्तक से जो मणि निकलती है गजमणि, सूर्यकांतमणि, चंद्रकांतमणि, अनेक अनेक मणियां होती हैं जिनका अपना अपना महत्व है। सूर्यकांतमणि और चंद्रकांतमणि के ऊपर तो न्याय शास्त्र में प्रारंभ में ही शास्त्रार्थ हुआ शक्ति तत्व को लेकर के, कि शक्ति भी एक
पदार्थ है और शक्ति पदार्थ पर विचार करते हुए सूर्यकांत और चंद्रकांत मणि का उदाहरण दिया कि सूर्यकांत मणि के रख देने पर कोई भी वस्तु किसी भी वस्तु में अग्नि प्रकट हो जाएगी, उसके तेज के कारण तो वह तेज वो शक्ति उसमें और अग्नि प्रज्वलित हो, और चंद्रकांत मणि रख दिया जाए तो चंद्रकांत मणि की शीतलता से अग्नि शांत हो जाएगी। तो उन मणियों में शक्ति नाम का कोई पदार्थ है, इस तरह से विचार करते हुए शक्ति पदार्थ पर विचार किया है, वो सब विद्वानों का विषय है। कहने का तात्पर्य कि हर मणियों का अपना अपना प्रभाव होता, तो स्वर्ग में भी एक मणि होती जिसको चिंतामणि कहते, और उसकी विशेषता बोले चिंतामणि लेकर के जो आप चिंतन करो वो वस्तु आपको प्राप्त हो जाए। लेकिन वो स्वर्ग की चिंतामणि भी क्या दे सकती है, पहले तो मृत्युलोक के प्राणियों को दुर्लभ है स्वर्ग की चिंतामणि, मृत्युलोक में कहां किसी को मिलने वाली, और मिल भी गई तो चिंतामणि क्या दे सकती है। बोले अधिकतम लौकिक सुख दे सकती है, चिंतामणिर्लोक सुखम। चिंतामणि हाथ में लेकर के आप कहो भाई बढ़िया मकान बन जाए तो मकान बन जाएगा, चिंतामणि को हाथ में लेकर के कहो कि भाई 56 भोग प्रकट हो जाए हमको भोजन करना तो 56 भोग प्रकट हो जाएंगे। लौकिक काम तो वो मणि कर देगी, लेकिन चिंतामणि हाथ में लेकर के कोई कहे कि हे चिंतामणि तुम मुझे भगवान कृष्ण का दर्शन करा दो, बोले चिंतामणि नहीं करा सकती। चिंतामणि को हाथ में लेकर के कहो कि मैं माया से निवृत्त हो जाऊं मुझे मोक्ष की प्राप्ति हो जाए, बोले चिंतामणि मोक्ष नहीं दे सकती, केवल लौकिक सुख दे सकती। चिंतामणिर लोक सुखम सुरद्रुह स्वर्ग संपदा। स्वर्ग में एक वृक्ष होता है जिसको कल्प वृक्ष कहते हैं, कल्प वृक्ष के नीचे जो कल्पना करो वो कल्पना पूरी हो जाए। लेकिन वो स्वर्ग का कल्प वृक्ष भी क्या दे सकता है, बोले लौकिक सुख दे सकता है। कल्प वृक्ष के नीचे जाकर के लौकिक कामनाएं करो पूरी हो जाएगी, लेकिन कल्प वृक्ष के सामने जाकर के कोई कामना करे मुझे कृष्ण का दर्शन हो, बोले वो कल्प वृक्ष नहीं कर सकता, वो मुक्ति नहीं दे सकता, वो अज्ञान की निवृत्ति नहीं कर सकता, माया के बंधन से मुक्त नहीं कर सकता। लौकिक सुख दे सकता है कल्प वृक्ष, लेकिन गुरु आगे की पंक्ति में शौनक जी कहते हैं कि प्रयच्छति गुरु प्रीतो वैकुंठम योगी दुर्लभम। अगर गुरु प्रसन्न हो जाएं, आचार्य प्रसन्न हो जाएं, तो आचार्य और गुरु क्या दे सकते हैं, बोले जो कल्प वृक्ष नहीं दे सकता, जो स्वर्ग की चिंतामणि नहीं दे सकती, वो गुरु की कृपा से प्राप्त हो सकता है। ये गुरु की महिमा है।